तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर 8, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज़म्स रिप्रोड्यूस, पार्ट 4। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में एसेक्सुअल मेथड्स, डिफरेंट एसेक्सुअल मेथड्स के बारे में पढ़ा था। तो हम एक जो एसेक्सुअल मेथड है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ फिजन। फिजन में हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में पढ़ा था। बाइनरी फिजन अक्कर इन अमीबा एंड मल्टीपल फिजन अक्कर इन प्लाज्मोडियम। उसके अलावा फिजन ऑल्सो अक्कर इन लिशमैनिया, पैरामीशियम, ईस्ट ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पर भी तो क्या होता है, न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है, पर ईस्ट बेसिकली आता बडिंग में है, क्योंकि जब न्यूक्लियस डिवाइड तो हो रहा है लेकिन वहाँ पर आपको बड की फॉर्म दिखाई देती है। तो ईस्ट में बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन वह फ्यूज़न कहाँ हो रहा है, इन द बर्ड्स। तो हम बेसिकली ईस्ट को बडिंग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम एसेक्सुअल मेथड का जो हमारा दूसरा एसेक्सुअल जो हमारा टाइप है उसका दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन आप छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं कि फ्रेगमेंट्स बनना। बेसिकली फ्रेगमेंटेशन हमें एल्गी के अंदर दिखाई देती है, और यहाँ पर एल्गी स्पेशली आप जो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ स्पायरोगैरा। हम स्पायरोगैरा की भी बात क्यों करते हैं, क्योंकि स्पायरोगैरा में हमें बिल्कुल क्लीनली हमें जो फ्रेगमेंटेशन का मेथड है बिल्कुल ईजीली हम उसको देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी 8.4 में यही बताया गया है कि आपको किसी पॉन्ड से एल्गी इकट्ठी करनी है, फिर उसको स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखना है, तो आपको कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो बच्चों, आपको आपको फिलामेंट्स दिखाई देंगी ऐसे। तो आप ये छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि एक जो स्पायरोगैरा है बच्चों, उसकी जो शेप होती है वो इस प्रकार से होती है, बिल्कुल मतलब सेल के पीछे सेल, एक सिंगल फिलामेंट आपको दिखाई देती है ऐसे, अगर जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो। ठीक है बच्चों, और अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल में बच्चों, अगर हम हमें पता होना चाहिए सिंगल सेल में क्या होता है कि बाहर एक सेल वॉल होती है, हमें पता है कि एल्गी प्लांट में आती है तो बाहर की सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों, इसकी कुछ खास करेक्टर्स भी हैं जो हमें एक सेल के एज अ सेल पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक इस एल्गी का नाम स्पायरोगैरा क्यों पड़ा, तो इसके नाम के पीछे भी एक कारण है। तो बच्चों, जो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है ना, वो स्पाइरल फॉर्म में मिलता है आपको ऐसे। ठीक है बच्चों, आपने ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी सेल की, तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज़ इन स्पाइरल फॉर्म, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्पायरोगैरा। और न्यूक्लियस आपको एक साइड में दिखाई देता है। बेसिकली ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली हमें ज़्यादातर पेरिफेरी की साइड दिखाई देता है। तो यह बच्चों एक कॉमन जो सेल होता है स्पायरोगैरा, उसकी जो डिटेल स्ट्रक्चर की जो डिटेल है हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल रीड व्हाट एनसीईआरटी इज़ सेइंग। अब हमें एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ना है कि एनसीईआरटी एसेक्सुअल मेथड को स्पायरोगैरा के अंदर, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पायरोगैरा। तो बच्चों, सिंपली हमने देखा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं सेलुलर में ही एसेक्सुअल मेथड होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हमें सिंपल मेथड दिखाई देता है रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ एसेक्सुअल मेथड। और बेसिकली हम यह मेथड किस में देख रहे हैं, स्पायरोगैरा में। वहाँ पर क्या होता है कि इट ब्रेक्स इंटू स्मॉल पीसेज अपॉन मैचुरेशन। जैसे ही एल्गी मैच्योर होती है, तो मान लो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो कोई इंजरी की वजह से या क्या होता है कि इसकी फ्रेगमेंट जो ये एक लंबी सी आपको धागे जैसी स्ट्रक्चर है वो टुकड़ों में बट जाती है। जब ये टुकड़ों में बट जाती है तो बच्चों इस इन टुकड़ों को क्या कहते हैं, इन पीसेस को कहते हैं फ्रेगमेंट्स। और यह प्रोसेस जब ये टुकड़ों में बट जाती है तो क्या कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन। तो बच्चों ये क्या करती है, ये आगे जाकर अपनी एक न्यू थ्रेड बनाना शुरू कर देती है। इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है स्पायरोगैरा के अंदर। तो दिस पीसेज और फ्रेगमेंट्स ग्रो इन टू न्यू इंडिविजुअल्स, कैन वी वर्क आउट द रीज़न फॉर दिस बेस्ड ऑन वट वी सो इन एक्टिविटी 8.4। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों ये जरूरी नहीं कि सभी के लिए एसेक्सुअल मेथड ये फ्रेगमेंटेशन ही अगर हमें देखने को मिले। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाई सेल। द रीज़न इज दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रेंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं
जो स्पायरोगैरा है बेशक मल्टी सेलुलर है, लेकिन वो एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर इजीली अगर इंजरी या फिर कोई सी भी अगर यह फ्रैगमेंट जो सिंगल स्ट्रैंड है टूट जाती है, फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो कैपेबल होती है न्यू इंडिविजुअल बनाने में। लेकिन सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा नहीं है, सबका अपनी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है बच्चों, स्पेशलाइज सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजिशन इन द बॉडी। तो ऐसा नहीं कि सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें फ्रेगमेंटेशन ही दिखाई दे, हमें सिर्फ एल्गी में फ्रेगमेंटेशन दिखाई देती है, बाकी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर आपको प्रॉपर ऑर्गन्स दिखाई देते हैं विच हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजिशन। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों ऐसे केसेस में जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है ना वो बहुत ही अलग होगा एज़ कम्पेयर टू दिस मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो कि अगर हम देखें जो लोअर कैटेगरी में आते हैं। अ बेसिक स्ट्रेटेजी यूज इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इज़ दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज फंक्शन। तो बच्चों उन ऑर्गेनिज्म में स्पेशल कोई ऑर्गन होगा जो रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन है परफॉर्म करवा रहा होगा। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इट सेल्फ कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल टाइप्स। द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग proliferating and making other cell types under the right circumstances। तो बस बच्चों यहाँ पर ना बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बताया हुआ है कि कुछ सिंपल होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल होते हैं जैसे कि एल्गी, वहाँ पर हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अस, अगर हमारे अंदर भी बात की जाए हमारे अंदर क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं ना, वो प्रॉपर किन के द्वारा बनते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के द्वारा, फॉर एग्जांपल फीमेल में ओवरीज के और मेल में टेस्टिस के द्वारा। तो यहाँ पर यही एक उदाहरण दिया गया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी नहीं है कि सब में फ्रेगमेंटेशन हो, वहाँ पर अपना अपना एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ये फंक्शन है ये है निर्धारित कर दिया गया है, यहाँ उनके लिए स्पेशल ऑर्गन्स है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ लिया अबाउट द स्पायरो वगैरह। इसी वजह से बच्चों जो पॉन्ड में आप देखते हो एल्गी, एक बार एल्गी अगर पॉन्ड में स्टार्ट हो जाए ग्रोथ करना तो वो पूरे पॉन्ड को ढक लेती है, बिल्कुल ग्रीन कवर हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि विद इन अ मिनी सेकेंड्स आपको देखने को मिलती है कि इतनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन होती है स्पेशली रेनी सीजन कि पूरा पानी क्या करता है बिल्कुल ग्रीन कलर का दिखाई देना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि वहाँ पर कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट मेथड है जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ रीजनरेशन। रीजनरेट करना मतलब दोबारा से ग्रो होना, ग्रोथ का होना। मैनी फुलफिल्ड डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म के पास यह पावर होती है कि वो अपने कटे हुए पार्ट को दोबारा से ग्रो कर ले। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज सम हाउ कट और ब्रोकन अप इन टू मैनी पीसेज, मैनी ऑफ दिस पीसेज ग्रो इन टू सेपरेट इंडिविजुअल्स। तो बच्चों ऐसा आपने देखा ही होगा, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कैपेसिटी होती है दोबारा से अपने ऑर्गन्स को ग्रो करने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज़ लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया कट कैन बी कट इन टू नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीसेज ग्रो इन टू अ कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों याद रखना यहाँ पर ना हाइड्रा की बात की गई है, और हाइड्रा को बेसिकली हम बडिंग के अंदर पढ़ते हैं, इसको भी हम बडिंग के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन बडिंग के अंदर तो पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर हाइड्रा में हो क्या रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बड लाइक स्ट्रक्चर तो बनी, ये तो चलो ठीक है, पर अगर हम हाइड्रा में भी अगर कहीं से कट वट लग जाता है तो हर पार्ट क्या करता है, कैपेबल होता है ग्रो करने में एक न्यू इंडिविजुअल को। तो इसमें सबसे मेन एग्जांपल हम लेकर चलेंगे प्लानेरिया का, क्योंकि प्लानेरिया वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डाइवर्सिटी में 9th क्लास में प्लानेरिया के बारे में। तो प्लानेरिया बच्चों क्या होता है, ये इस तरह का जीव होता है जो पानी में रहता है और चपटे आकार का होता है, और यही जीव था जो सबसे पहले जिसके पास आँखें आई थी, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इवोल्यूशन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी के अंदर 9th क्लास में।
तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्लेटी हेलमेंथिस में प्लानेरिया होता है, और प्लानेरिया क्या करता है, फ्लैट वर्म में आता है, आपको पता है ना फ्लैट वर्म। और यह फ्लैट वर्म में क्या करते हैं, अगर इसका यहाँ से काट दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए, ठीक है, तो अगर इसका ऊपर वाला भाग है ये अलग हो चुका है, तो ये नीचे वाला भाग बना लेगा, ठीक है बच्चों। अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं बीच में से, तो क्या होगा, एक बार इसको रब कर लेते हैं, अब दोबारा से डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये होता है प्लानेरिया, इसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर आइज होती है। अगर हम इसको तीन भागों में काट लें, तो ऊपर वाला भाग क्या हुआ, सिर, सिर क्या करेगा, नीचे वाला भाग बनाने में कैपेबल होगा। अब जो ये बीच वाला भाग है, ये क्या करेगा, अपना पीछे वाला भाग बना लेगा और अपना आगे वाला सिर बना लेगा, ठीक है बच्चों। और ये नीचे वाला भाग है, ये आगे जाकर क्या करेगा, ये आगे जाकर, जो ये नीचे वाला भाग है, ये आगे जाकर अपना ऊपर वाला भाग बना लेगा। इस तरह से अगर हम जितने भी पीस कर लें, तो हर भाग कैपेबल होता है दोबारा से ग्रोथ करने में, और यही हम, यही जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है, रीजनरेशन, ठीक है बच्चों। दिस इज़ नोन एज रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज सेल्स। तो बच्चों, एक स्पेशल सेल्स के द्वारा कैरी की जाती है। दिस सेल्स प्रोलीफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल। प्रोलीफरेट का मतलब होता है कि जब सेल्स डिवाइड होते हैं, एक बॉल के आकार में एक आपको गुच्छा सा दिखाई देता है, एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। और इस तरह से सेल्स क्या करते हैं, प्रोलीफरेट मतलब डिवाइड होते रहते हैं, और आपको एक गुच्छा, एक सेल का, ऐसे बहुत सारे सेल का एक बॉल सा दिखाई देगा। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यू। दिस चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सिक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बींग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये सभी में कैपेबल होते हैं रीजनरेशन के लिए, या कुछ ही ऑर्गेनिज्म के पास यह पावर होती है कि वो अपने कटे हुए ऑर्गन को दोबारा से ग्रो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिजार्ड भी देखी है कि लिजार्ड की टेल कट जाती है तो क्या करती है, उसमें कैपेबिलिटी होती है कि फिर से वो अपनी टेल को क्या कर ले, रीजनरेट कर ले। इसी तरह से बेसिकली जो प्लानेरिया है, आप फिगर 8.3 देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो प्लानेरिया फ्लैट वर्म है, उसको तीन भागों में काट दिया गया है, और तीनों भाग कैपेबल हैं अपने आप को रीजनरेट करने के लिए। तो बच्चों, नेक्स्ट जो एसेक्सुअल मेथड है, दैट इज़ बडिंग, वो हम बच्चों कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।